जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करें तब हमेशा याद रखिए कि सरप्लस आपके पास हमेशा होना चाहिए, जिससे आपका ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल है या इन्वेस्टमेंट प्लान है वो कभी डिस्टर्ब ना हो। ये फंड को हम बोलेंगे इमरजेंसी फंड या कंटिंजेंसी फंड। व्हाट यू मीन बाय दैट, लेट्स टेक अ नॉर्मल एग्जांपल। कभी कभी क्या गलती हो जाती है कि वी डोंट पुट सम अमाउंट ऑफ यू नो सरप्लस मनी इनटू आवर लिक्विड फंड्स। अब लिक्विड फंड्स का मतलब क्या हुआ? कुछ कैश जो आपके पॉकेट में है, कुछ कैश जो आपके घर के कबर्ड में है, कुछ कैश जो आपके सेविंग्स अकाउंट्स में है, कुछ कैश जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स में है, ठीक है। वन ऑफ द गुड पार्ट टू इन्वेस्ट योर सरप्लस कैश इज लिक्विड फंड्स इन म्यूचुअल फंड्स। कुछ कुछ AMCs आपको लिक्विड फंड में ATM कार्ड देती है, राइट? सो यू इन्वेस्ट इन लिक्विड फंड्स, द ATMs आर ओपन 24/7। तो अगर रात को 12 बजे भी आपको अगर पैसों की ज़रूरत पड़े, यू गो टू दैट पर्टिकुलर ATM, विदड्रॉ द मनी। अभी आपने जितना मनी विदड्रॉ किया है उस हिसाब से नेक्स्ट डे आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडेम्पशन में चले जाएंगे। सो यू हैव दैट फैसिलिटी, राइट? सो द मनी दैट यू हैव पुट इन टू लिक्विड फंड्स विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए लिक्विड फंड। अब ज़रूरत क्या है, कहाँ पर हमको गलती हो जाती है? हमने कैश फ्लो और बजट से पता किया कि ओके 10,000 इज अ सरप्लस, तो हम क्या प्लान करेंगे, चलो लेट्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी मंथ। अब पूरे अगर 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए तो ऑन द 30th डे ऑफ एवरी मंथ ना आपके पॉकेट में पैसे होंगे ना आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ यू हैव जॉइंड द न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 7th को आपकी सैलरी आ ही जाए या 10th को आपकी सैलरी आ ही जाती है। इट माइट गेट लेट, क्या करोगे उस समय? या द बेस्टेस्ट ऑफ एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं हमारे पास तो कैशलेस मेडिक्लेम है, पर जो इस फील्ड में काम करते हैं वो समझते हैं कि डू यू हैव अ कैशलेस मेडिक्लेम। कोई अगर अच्छी अस्पताल में आप जाएंगे तो हमेशा आपको बोलेंगे कि ओके 20,000 डिपॉजिट दीजिए, 25,000 डिपॉजिट दीजिए। वंस आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एक्सेप्ट करती है, जो भी पैसा बचेगा विल रिफंड यू दैट मनी। इट मैट हैपन दैट ऑल द मनी यू विल गेट इन रिफंड, ठीक है। तो अगर 25,000 आपने डिपॉजिट भरा है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 25,000 द होल अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगी, हो सकता है, ठीक है। पर एक बार तो 25,000 भरने पड़ेंगे ना। अब वो 25,000 भरने के लिए अगर आपके बैंक अकाउंट में आपने सरप्लस पैसा नहीं रखा, क्या करोगे? या घर के आपके कबर्ड में कैश नहीं है, क्या करोगे आप? सो डू यू हैव यू नो यू हैव मैनेज द इमरजेंसीज, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी हुई तो क्या हुआ, यू नो। चलो आप बीमार पड़े, आपके लिए सब चीज़ है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते, अचानक एक रात फ़ोन आता है कि भाई यू नो आपके पेरेंट्स बीमार हैं, उनके पास कैश नहीं है, तो यू ऑल्सो हैव टू गो विद द कैश। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं और रहें, आपके पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, तो इन द इमरजेंसी केसेस यू हैव टू टेक फ्लाइट एंड गो। वो फ्लाइट का पैसा इज अ ह्यूज कॉस्ट। सो बेसिकली इट्स अ कंटिंजेंसी फंड, इट्स एन इमरजेंसी फंड। लाइफ में कब कैसे कहाँ किस तरह की इमरजेंसी आएगी, कितनी बड़ी इमरजेंसी आएगी, नोबडी नोस। बट स्टिल कंजर्वेटिवली या यू नो US में जैसे ये फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ पिछले 100 सालों से ज़्यादा से चल रही है, तो उनका जो लर्निंग कर्व है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उससे ऐसे पता चलता है कि नॉर्मली 3 to 6 months ऑफ योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर और यू कैन से योर इनकम, उतना पैसा मैंने आपको जितने एवेन्यूज दिखाए, जितने इन्वेस्टमेंट यू नो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए, वहाँ पर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो जैसे आपका यू नो मंथली इनकम इज 50,000, तो लेट्स कीप कि 50,000 × 3 1.5 लाख रुपया आपके हाथ में होना चाहिए। अब 1.5 लाख आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मानिए 10-20,000 आप अपने घर में कैश रख रहे हैं, 30-40,000 आप अपने बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, 30-40,000 की आपने FD करवाई और बाकी के पैसे आप लिक्विड फंड में रख रहे हैं। यू कैन हैव यू नो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स। अब ये जो 3 to 6 months का प्रॉब्लम है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब एंड द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट पर्सन इज हैविंग, है ना। जैसे बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस पर्सन विल हैव अ वॉलेटाइल इनकम, आज ज़्यादा है कल कम है। तो टू बी कंजर्वेटिव लेट्स यू नो कीप 6 months ऑफ रिजर्व। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो जॉब पर जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी रेगुलर सैलरी तो आएगी ही।
सो इन दैट केस ज़्यादा वॉलीडिलिटी नहीं है इनकम में, यू कैन कीप इवन 3 months ऑफ एक्सपेंडिचर और यू नो इनकम वॉट एवर यू फील लाइक. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन वॉट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर यू डूइंग एंड वॉट इज द वॉलीडिलिटी ऑफ द इनकम दैट यू आर हैविंग. It's okay. We'll go ahead. ठीक है, चलिए. Then monitoring, evaluation, and compliance of budget. Now this is very important thing. बहुत बार ऐसा होता है कि हम बजट तो बना लेते हैं, फॉलो कौन करेगा? Preparing a budget is very easy, but following a budget it's too difficult. है ना, क्योंकि वो practice करना it's difficult. So जब budget बनाते हैं then you have two aspects. One is historical data and pattern of income and expenditure, and then forecasting the income and expenditure. वो हमने पढ़ लिया है कि budget is a futuristic activity. तो आप जब future में जो करना चाहते हैं that will you know give you an idea कि आपको future में क्या करना चाहिए. नो यू नो अगर आप कॉर्पोरेट्स में कभी कभी काम कर रहे हो या आपका फैमिली मेम्बर कोई कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा हो तो आप हमेशा उसके मुंह से एक वर्ड सुनेंगे कॉल वेरियंस रिपोर्ट. है ना, आपकी सीएफपी के मॉड्यूल में जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मॉड्यूल है वहाँ पर भी आप वेरियंस सीखेंगे. नो वेरियंस बेसिकली क्या है, इट्स वेरी सिंपल थिंग कि इंसान कभी भी जो भी एक्टिविटी करता है द पर्सन इज डूइंग दैट एक्टिविटी विद सम एक्सपेक्टेशंस. है ना, अभी आप से फॉर एग्जांपल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो विद एन एक्सपेक्टेशन दैट आई अर्न 12% रिटर्न पर एनम, द सीएजीआर इज 12%. अब इक्विटी का एक्चुअल रिटर्न 12% से ज्यादा या कम जो भी आया इट्स डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन. इफ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन यू हैव अ वेरियंस. है ना, इसीलिए शायद अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन. एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या है, एक्स बार इज अ मीन बेसिकली द एवरेज. ये एवरेज कहाँ से आती है, आपके हिस्टोरिकल डेटा से. सो एक्स माइनस एक्स बार दैट मीन्स एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड. लेट्स से कि आपने बैंक में एफडी करी है 10% में, अब उसका कोई वेरियंस नहीं होगा. क्यों, 10% बोला गया तो 10% मिलेगा. सो एक्स माइनस एक्स बार इज जीरो. है ना, सो इफ यू डोंट डिविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिजल्ट देयर इज नो वेरियंस. पर हमारी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता. है ना, एग्जाम के टाइम पे भी जब हम प्लान करते हैं कि चलो भाई 12 घंटे पढ़ना है तो पहले दूसरे दिन तो 2 घंटे पढ़ ले तो भी बहुत है. सो यू हैव अ ह्यूज वेरियंस, ह्यूज वेरियंस. है ना, और काफ़ी सारे केसेस में क्योंकि सीएफपी आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग देता है तो आप डेट ही नहीं लेते एग्जाम की. अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, वो अब कभी नहीं आता. सो यू कैन हैव अ बजट फॉर टाइम ऑल्सो. You know, how can you, you know, expense your time? कहाँ पर अपना समय खर्च करे, ये समय is most important thing in life. ठीक है, but that's your variance. So कभी आप जो expectation रखते हो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपके expectation के हिसाब से ही काम हो. तो any result which is not as per your expectation will give you variance. अब budget बना देने से सक्सेस नहीं होता. आपने बजट बनाया, यू ट्राई टू फॉलो द बजट. अब 1 महीने के बाद आपको बैठना है वापस टू मॉनिटर दैट बजट. जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरा बजट इतना होना चाहिए और मेरे पास फाइनली एट द एंड ऑफ द मंथ इतना सेविंग्स होना चाहिए. क्या है,
नॉर्मल केसेस में नहीं होगा। इसीलिए जब आप, अगर मैं आपको ग्रेजुएट अज्यूम कर रहा हूँ, तो आपने हमेशा एक चीज़ पढ़ी होगी, फ्लेक्सिबल बजटिंग। फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या होता है? आप बजट बनाइए, ठीक है, बट ऑलवेज विद द बैंड ऑफ 5-10% वेरियंस, है ना। अभी आपने कोई एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट किया है कि 5000 है, इट कैन गो 4000 ऑल्सो, इट कैन गो 5500 ऑल्सो। अगर कम है तो बेटर ही है, इनकम कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिपेंड करता है कि किस चीज़ की आप बात कर रहे हो। तो एक्सपेंडिचर जितना कम हो वो बेटर है, इनकम जितनी ज़्यादा हो वो बेटर है। दैट्स अ फेवरेबल फेवरेबल वेरियंस। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया और इनकम कम हो गई, दैट्स अनफेवरेबल वेरियंस, राइट? ठीक है, सो यस, अगेन यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक, ठीक है, मैंने इतना बजट बनाया था, द एक्चुअल फिगर्स आर दिस। अब आपको इवेल्युएट करना है कि बजट बनाया था उसमें प्रॉब्लम हुई या एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो किया उसमें प्रॉब्लम हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो एक्सपेक्ट करके बजट बनाया है वो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप उसको अप्लाई करेंगे। या कभी कभी ऐसा लगता है कि बजट परफेक्ट बना था पर इस वक्त कुछ डिफरेंट सा हो गया, इसलिए बजट को फॉलो नहीं कर पाए। सिर्फ फॉर एग्जांपल, अगेन हम बेसिक हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो नॉर्मली अगर आप दो लोग घर में रह रहे हो और जितना खर्चा हो रहा है उतना ही खर्चा हो रहा है, दैट्स फाइन। बट इस बार कोई रिलेटिव आपके घर पे आके 15 दिन रह के चला गया, अब बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम हुई? बजट बनाने में प्रॉब्लम या एप्लीकेशन में प्रॉब्लम? एक्चुअली दोनों में से किसी में प्रॉब्लम नहीं, दिस इज एक्सेप्शनल केस। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है तो अगेन वो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू अगेन फॉलो इट फॉर द नेक्स्ट मंथ एंड अगेन हैव टू सेट डाउन फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ योर बजट्स। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप बजट बनाओ, उसको अप्लाई करो, देन have a look at the budget and the actual expenditure, whether you have variance or not. If you have variance, understand whether it's a favorable variance or unfavorable variance. If it's a favorable variance, fantastic. You will save more than you require. If you have unfavorable variance, red flags. है ना, आपको बैठ के फिर से समझना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। सो अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग्स। आपके बुक्स में कुछ सजेशंस दिए गए हैं जब आपकी एक्चुअल फिगर बजट फिगर से डिफरेंट है। सो व्हाटएवर सजेशंस दे हैव, इट्स अ कॉमन सेंस। सो वो कॉमन सेंस हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप पढ़ भी लेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा। ठीक है, I'll give you 1 minute to just have a look at it. ठीक है, विल गो अहेड। ठीक है, फोरकास्टिंग। नाउ फोरकास्टिंग मींस प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। सो इफ बजट मेकिंग एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर नीडेड, दिस इज नॉट इफ, दिस इज इन। इन बजट मेकिंग एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर नीडेड। It is not necessary that historical pattern of income and expenditure will follow. But that's simple hai. Na, ek saal pehle jo meri income expenditure thi, wo aaj nahi hai. That's normal. That's simple.
देन आपके कुछ फैक्टर्स होंगे जो इन यू नो चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेंगे. जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आज मैं 50,000 पर मंथ कमा रहा हूँ, अगर दो साल के बाद मेरी इनकम 1 लाख हो गई, तो ऑब्वियसली अगर आज मैं छोटी गाड़ी चलाऊंगा तो कल मैं बड़ी गाड़ी खरीदूंगा. अब बड़ी गाड़ी के साथ सिर्फ बड़ी गाड़ी का ईएमआई नहीं होता, उसके फ्यूल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मेंटेनेंस होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फिर आज से अगर 5 साल पहले की आप अगर बात करें, 5 या 6 साल पहले की बात करें, तो पूरे इंडिया में नॉर्मल थिएटर्स हुआ करते थे, जहाँ पर 50-60 रुपीज़ की टिकट होती थी, है ना, वहाँ पर आप जाके बालकनी में बैठते थे. अब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आप स्ट्रेट अवे वो थिएटर में जाना बंद कर देते हैं. सही है कि नहीं, है ना? फिर नॉर्मली जब आपकी इनकम कम होती थी, तब आप रोड साइड खाना खाते थे, विच यूज टू हैव अ फन. पर जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आप वहाँ जाना बंद कर देते हैं और आप अच्छे से रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर देते हैं, है ना? अगर आपने 3 Idiots देखी हो तो याद होगा, अरे 4 लाख की घड़ी, मेरी तो 250 रुपये की घड़ी भी सेम टाइम दिखाती है. बात तो सही है, 4 लाख की घड़ी में क्या होगा, टाइम ही तो दिखाएगी. बट येस, यू हैव यू नो अ लाइफ स्टाइल एक्सपेंडिचर. जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है. जैसे ही आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, आपके इनकम और एक्सपेंडिचर पैटर्न्स ड्रास्टिकली चेंज होते हैं. अब ये सब इनकम बढ़ता है तभी नहीं होता, कभी कभी इनकम कम होती है तो भी होता है. जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, 2008-9-10 में हमने जैसे देखा कि यू नो यहाँ पर बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं थी, तो उस समय पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जहाँ पर लोगों को निकाला गया था जॉब में से. इन दैट केस ऑल्सो यू नो आपकी इनकम कम हो जाएगी. तो एक्सपेंडिचर की बात तो ना करें, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो इतने ज़्यादा कम नहीं हो सकते. बट यस, आपकी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा. इन दिस केस आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन थिंग, दैट फ्यू ऑफ द प्लानर्स हैव अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच इन बजटिंग. जहाँ पर हमने कंटिजेंसी या इमरजेंसी फंड की बात करी थी, वहाँ बहुत सारे प्लानर्स ऐसा भी करते हैं कि दे प्लान फॉर द कंटिजेंसी इन सच अ वे कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी डिस्टर्ब ना हो. या तो सी फॉर एग्जांपल, अगर मेरी 50,000 की इनकम है, नॉर्मल यू नो मेरे एक्सपेंडिचर मानो 20,000 पर मंथ है, एंड 15,000 आई सेव, सेविंग अलग रख के 15,000 आई इन्वेस्ट, तो वो कंटिजेंसी फंड अगर एक्सपेंडिचर के बेस पे बना रहे हैं, तो दे विल टेक 35,000 एंड नॉट 20,000. क्योंकि जब आपकी जॉब नहीं होगी, तब भी दे ऑलवेज वॉन्ट कि आपकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहे. पर ये तभी होगा जब आपने एक्सपेंडिचर रिप्लेसमेंट लिया हो. दैट मीन्स फॉर कंटिजेंसी प्लानिंग यू आर कंसिडरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडिविजुअल. जब आप इनकम कंसिडर करते हो, तब ये बात ही नहीं होती. क्योंकि अगर 50,000 आपकी इनकम है और आप 50,000 के हिसाब से कंटिजेंसी रख रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा. दिस इज अगेन अ कॉमन सेंस, बट टू डेवलप दिस कॉमन सेंस यू हैव टू प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस में आपको कुछ नहीं करना है, घर के 2-4-5 रिलेटिव्स को पकड़ लीजिए और ऐसे ही बैठ के काम करिए ना. अप्लाई, आपको 1-2-3-4-5 डेटा शीट आप जब भरेंगे और वहाँ से आप कैश फ्लो और बजटिंग करेंगे, तो आपकी सारी कॉमन सेंस ओपन हो जाएगी. आपको समझ आ जाएगा कि अगर ये होगा तो ये नहीं ही होगा फॉर श्योर. पहले कैश फ्लो में ऐसा हो सकता है कि आपको हफ्ते तक एक ही एक्सपेंडिचर समझना है कि इसको मैं कैसे सेट करूं, हो सकता है, पर डिवोट सम टाइम, हो जाएगा. जैसे ही आप 5-6 केस स्टडीज ऐसे पकड़ेंगे, 5-6 केस स्टडीज पे काम करेंगे, तो आपका जो कॉमन सेंस है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको, है ना. इसीलिए शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, FPS भी इंडिया ने भी बोला है कि 3 आपको डेटा शीट्स भर के भेजनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना. वो नॉर्मली हमको अच्छे से करनी चाहिए, ऐसा FPSB का एक्सपेक्टेशन होता है. इट्स ऑलवेज बेटर दैट वी फुलफिल दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ FPSB इंडिया. ठीक है, ऑलराइट. सो दैट इज फोरकास्टिंग. देन ये सारी चीज़ें आने के बाद वी हैव जैसे कॉरपोरेट्स में होते हैं वैसे ही हमारे पास भी होंगे, दैट अ पर्सनल बैलेंस शीट एंड अ नेटवर्थ स्टेटमेंट.
बैलेंस शीट क्या होती है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई अज्यूम दैट इफ यू आर डूइंग सीएफपी यू मस्ट बी हैविंग सम कॉमर्स बैकग्राउंड. अगेन अगर आपका नहीं है आई विल जस्ट ब्रीफ यू दैट बैलेंस शीट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट शोइंग योर असेट्स एंड लायबिलिटीज. असेट्स में जैसे आपका घर है, जैसे आपकी गाड़ी है, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैश जो आपके बैंक में पड़ी है, कैश जो आपके हाथ में पड़ी है, एंड फ्यू ऑफ द अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, या जैसे आपको गोल्ड फिजिकली आपने होल्ड किया हुआ है तो गोल्ड एंड ऑल अदर प्रेशियस मेटल्स. लायबिलिटी में क्या रखेंगे, वी कैन हैव लोन्स, लोन डिफरेंट काइंड ऑफ लोन, मॉर्गेज लोन हो सकती है, पर्सनल लोन हो सकती है, यू नो ऑटोमोबाइल लोन हो सकती है, स्कूटर खरीदा, कार खरीदा, व्हाटएवर इट इज, एंड योर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, नॉट क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, है ना. या सो योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ योर क्रेडिट कार्ड दैट यू नीड टू पे टू द बैंक. तो ये सारी बेसिकली योर लायबिलिटीज होती हैं. सो नेटवर्थ आपकी पॉजिटिव तब होगी जब आपकी असेट्स लायबिलिटी से ज्यादा होगी. You know, if I tell you that, consider one thing, कि जब आपने घर खरीदा, 50 लाख का घर खरीदा, currently as per the RBI rules, आपको 80% तक की लोन मिल सकती है. अब मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में अगर ये दो ही फिगर हैं, that value of house and outstanding loan for the home, that means the mortgage loan. In that case, your net worth is negative. Because आपकी घर पे मालिकी कितनी है? Only 20%. So अगर 1 करोड़ का घर हम कंसिडर करते हैं तो योर असेट्स आर ओनली 20 लैक्स एंड लाइबिलिटीज इज 80 लैक्स. सो यू आर एक्चुअली हैविंग द नेगेटिव नेटवर्थ. ठीक है, दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जस्ट टू टेल यू दैट हाउ इट गोज. ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में नेटवर्थ कैलकुलेशन अगर आपको पूछ ली तो ऐसी ट्रिकी चीजें बहुत आएंगी. इज इट फाइन? ठीक है, चलिए. नाउ यहां पर अगर नेटवर्थ की बात आई है तो मैं आपको एक चीज और पॉइंट आउट कर लूं जस्ट टू शेयर सम प्रैक्टिकल थिंग्स विद यू. कभी कभी क्या होता है कि जब आप इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट नोट करते हो तब आपको नेटवर्थ की बहुत जरूरत पड़ती है. कैसे? जैसे इंश्योरेंस की कैलकुलेशन में क्या होता है, अब आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीख लिया है तो हम नॉर्मली ऐसे बात करेंगे कि फ्यूचर में आपकी जितनी लायबिलिटीज हैं प्लस फ्यूचर में आप जितना इनकम अर्न करने वाले हो, सबकी प्रेजेंट वैल्यू इज योर इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट. इज इट फाइन? ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं साल का 4 लाख रुपया कमा रहा हूँ तो अज्यूम कि आज मैं 4 लाख रुपया कमा रहा हूँ, 10% से मेरी इनकम ग्रोथ होगी एंड आई विल बी अर्निंग फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स. तो ये मेरी सारी इनकम का प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है. अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये इनकम की तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे प्लस उसमें लायबिलिटी की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे. कैसे? जैसे मेरा चाइल्ड एजुकेशन है, दैट्स माय लायबिलिटी, तो चाइल्ड एजुकेशन की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा. चाइल्ड्स मैरिज, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा. ठीक है, अगर मेरा स्पाउस है तो मेरे जाने के बाद मेरा स्पाउस का जो लिविंग एक्सपेंडिचर है उसकी भी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा. सो दिस ऑल आर लायबिलिटीज, और उसको ऐड करके फाइनली आप इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट पे पहुंचते हो. माय सिंपल आर्ग्यूमेंट इज दैट कि अगर मैं आज जिंदा हूँ और आगे 30 साल तक जिंदा रहूँगा तो ये सारी लायबिलिटी मैं अपनी इनकम में से ही पे ऑफ करूँगा ना. तो इफ यू आर कंसिडरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम तो लायबिलिटी क्यों ऐड करते हो? वैसे भी अगर मैं जिंदा रहा तो मैं मेरी इनकम में से ही वो लायबिलिटी के लिए जो भी मुझे अक्यूमुलेट करना है वो मैं उसी में से करूँगा ना. इफ आई एम टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेम, उसमें सब इंक्लूड हो गया. हाँ, ये बात है कि अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर रिप्लेसमेंट मेथड ले रहे हो तो लायबिलिटी ऐड कर लो.
क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा मंथली एक्सपेंडिचर आज 30,000 है और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 30,000 में से 25% मेरा खुद का पर्सनल एक्सपेंडिचर है, तो व्हेन आई विल नॉट बी मोर वो 25% निकल जाएगा. तो 7500 निकाल लें उसमें से, तो 7500 निकालेंगे तो 22,500 इज़ माई हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. अब अगर मैं एक्सपेंडिचर की प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट बाकी की लायबिलिटी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मैं ऐड कर लूँ. ठीक है, यहाँ ये इंश्योरेंस की बात हुई, दिस इज योर रिक्वायरमेंट ऑफ द सम अश्योर्ड. अब ये सम अश्योर्ड जो आएगा उसमें से नॉर्मल मेथड ये होती है कि आपकी अभी जो असेट्स हैं वो माइनस कर दीजिए, होता है ना. से फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे जाते हैं. इंश्योरेंस ये होता है कि आज अगर मैं नेक्स्ट मोमेंट से नहीं हूँ तो मेरी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए और जितने भी गोल्स हैं वो पूरे करने के लिए कितना पैसा चाहिए. लेट्स से मेरी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट आई 1.5 करोड़ रुपया. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर मेरे पास 0 रुपीज हैं और अगर मेरी फैमिली को 1.5 करोड़ रुपये मिल जाते हैं, दे कैन वेरी वेल लीव एज इफ आई एम अलाइव. अब ये 1.5 करोड़ के रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी आपके पास 25 लाख के इन्वेस्टमेंट्स हैं ही, तो अब आप बताओ आपको 1.5 करोड़ की जरूरत है. नहीं, वो 1.5 करोड़ में से तो 25 लाख ऑलरेडी आपने जमा कर लिए हैं. सो द रेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट विल बी योर इंश्योरेंस कवर रिक्वायरमेंट. सो 1.25 करोड़ विल बी योर इंश्योरेंस कवर रिक्वायरमेंट. अब ये जो असेट वसेट वाली जो बात हुई ना वो यहां से मिलेगी, नेटवर्थ में से, है ना. क्योंकि यहां पर आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी का फंडा होगा टोटल, है ना. यहां से आपको अमाउंट एक्सट्रैक्ट करनी है कि व्हाट इज योर नेटवर्थ और यू कैन से व्हाट इज योर असेट. नाउ जस्ट टू शेयर सम नॉलेज विद यू, काफी सारे फाइनेंशियल प्लानर्स ऐसा मानते हैं कि आपकी ये जो नेटवर्थ स्टेटमेंट या इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट जो होती है, नेवर कंसिडर योर रेसिडेंशियल प्लेस एज एन असेट. Why? क्योंकि see for example, आज मेरी डेथ हो गई और अगर घर को मैंने असेट की तरह गिना है तो क्या मेरे घर वाले वो घर बेच के फुटपाथ पे रहेंगे? If you are not going to utilize your residential place as an asset, you know, for your living purpose, what is the point taking that into consideration? करेक्ट. कुछ को लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं वो आपका कॉल है. आई एम जस्ट शेयरिंग सम नॉलेज विथ यू. ठीक है, सो ये आपको समझना जरूरी है. हाँ, बट ऑफ कोर्स एक रेसिडेंशियल प्लेस की जगह आपके पास 2-3-4 घर हैं तो एक को छोड़ के बाकी सारी की वैल्यू आप ले सकते हैं. अब उसमें भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप, वो ये है कि अगर आपके घर में आपने होम लोन लिया है तो आपका जितना इक्विटी पोर्शन है वो घर में उतना ही आप कंसिडर करेंगे. 1 करोड़ का आपने घर लिया, 20 लाख तो आपने कैश पे कर दिए होंगे, कैश इन अ सेंस डाउन पेमेंट किया होगा, बाकी की 80 लाख की आपने लोन ली. अब वो 80 लाख में से मानो 5-6 साल निकल गए हैं और आपने इंस्टॉलमेंट्स भर दिए हैं 5-6 साल तक, तो अब वो 80 लाख की लोन में से आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 60 लाख बचा, मान लीजिए ऐसा, है ना. तो अब आपकी नेटवर्थ कितनी वो घर में? द मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस माइनस आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द होम लोन. क्यों? क्योंकि घर बेचेंगे तो मार्केट वैल्यू आपको मिलेगी, वो मार्केट वैल्यू में से आपको आपकी लोन की जो बाकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है वो आपको पे करनी पड़ेगी. नाउ अगेन देयर इज अ क्लॉज इन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन. नॉर्मली अगर अभी मार्केट में आप प्रैक्टिस देखें तो एवरी होम लोन विल हैव इंश्योरेंस. कैसे? जैसे अगर मैंने होम लोन ली है एंड इफ आई एम गोइंग टू रिपे द होम लोन, तो वो लोग ऐसा इंश्योरेंस लेते ही हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए देन माय ईएमआईज विल बी वेव्ड ऑफ. ठीक है, इसका मतलब मेरे घर वालों को आगे ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है, घर उनका हो जाएगा.
अगर आपकी डेथ हो गई तो बाकी का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट विल बी टेकन केयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इज इट फाइन? ठीक है, अगर ऐसा केस है, अगर आपके पास मोर्गेज लोन पे इंश्योरेंस है, देन अगेन यू कैन कंसिडर द होल वैल्यू ऑफ द हाउस अदर देन द रेजिडेंशियल हाउस इन विच यू आर करेंटली स्टेइंग। इज इट फाइन? ठीक है, तो ये कुछ फाइनर चीजें हैं। अनडाउटेडली दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स, बट येस इन प्रैक्टिकल सेंस दे आर। एंड आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर विच इज द पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इफ यू हैव अ बुक, जस्ट हैव अ लुक एट द होल चैप्टर फॉर यू नो फ्यू मिनट्स। आई विल गिव यू 2 to 3 minutes.